हेलो गाइज, सबसे पहले आप सभी को संगीता गौड़ उत्तराखंडी का प्यार का प्रणाम। मैं संगीता गौड़ उत्तराखंडी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और अपने नंदा धाम सिद्धपीठ कुरुण में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज की वीडियो जो है कि दिन की 1:30 बजे से बना रही हूँ मैं, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं बैठक करने के लिए कुरुण, क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन सारे बच्चे जो है कि घर में मिल जाते हैं और आज हर गाँव में हर फैसिलिटर सुविधा करता हूँ कि अपने अपने फील्डों में बैठक होती है। तो मेरा है कुरुण में और मैं जा रही हूँ। संगठन के बच्चों के साथ परिचय करवाना, बार संगठन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा भावगीत करवाना, सचिव रजिस्ट्रेशन, व्यवस्थापक बैठक कराने की व्यवस्था करना, प्रचार मंत्री प्रचार करा के बुलाना जो नहीं आए, खेल मंत्री खेल करवाना, स्वच्छता मंत्री स्वच्छता देखना, पवन सदस्य संगीता दीदी बार संगठन के नियमों पर चर्चा करना, प्रदीप भैया व संगीता दीदी द्वारा ताली वाला गेम खिलाना, पर्वतीय बाल मंच नंदा नगर APPI आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सोनाक्षी और कथा दो, मेरे को 7 साल है। मेरे बाल संगठन का नाम नंदा देवी है। बोल गुड, वेरी गुड। कितने सारी बात पहला नियम ये है, समय पर आना है, ठीक है। समय कौन बताएगा? प्रचार मंत्री और अध्यक्ष लोग, ठीक है। पहला नियम देखो, समय पर उपस्थित होना। हमारे बाल संगठन में खेल होना, चलो बोलो। शाबाश, एक ये भी लिखो। शाबाश। बाल संगठन में कूड़ा नहीं होना चाहिए और फील्ड में सफाई होना चाहिए। कुल संगठन में मेरे बच्चे आज फील्ड में कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। शाबाश। प्रशासन नहीं होनी चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए। मैं सब इन नियमों का पालन होना चाहिए। अरे यार, सबसे बढ़िया तो ये कि जितने बाल संगठन में गाली नहीं देना चाहिए। बाल संगठन में गाली नहीं देना चाहिए। बाल संगठन
फिर से। तो गाइज कुरुड़ की बैठक में जो है कि प्रदीप और मैंने जो है कि बैठक कर ली है और अभी जा रही हूँ मैं कुंडवगढ़। तो कुंडवगढ़ में भी बैठक है और यहाँ पे दूसरे संडे को होती है बैठक। फर्स्ट संडे को कुरुड़ में होती है, दूसरे संडे को कुंडवगढ़ में। तो आज कुंडवगढ़ में मेरे साथ जो है कि नेपाल भैया हैं और नेपाल भैया मेरे साथ आ रहे हैं कुंडवगढ़ में। और आज है सेकंड संडे को जो है कि कुंडवगढ़ में रहती है बच्चों की एक्टिविटी। और कुरुड़ में फर्स्ट संडे पे थी जहाँ पे कि प्रदीप था मेरे साथ और अभी जो है कि नेपाल भैया आ रहे मेरे साथ कुंडवगढ़। पहुँच भी गए वो पैदल, दिखाती हूँ मैं भैया को। हम समय के बहुत पाबंद हैं, हम समय पे ही सारा काम करते हैं जो हमें दिया जाता है, इसलिए हम समय का विशेष ध्यान रखते हैं। और पैदल आते हुए कैसा अनुभव लगा आपको? पसीना छूट गए, खोपड़ी के सारे बाल बह गए हैं। भैया को पैदल आते आते पसीना हो गया। और मेरे गांव की तो नज़दीकी है कुंडवगढ़ और भैया आ रहे बिजार से। बिल्कुल। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। हाँ, 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के आ रहे भैया अभी। अभी तो अभी हम कुंडवगढ़ जा रहे हैं और 2-2.5 बजे से जो है कि बच्चों की बैठक है। फिर से